करके प्रेयर किए भी हाइड्रोजन के कारण के द्वारा एल्कोहल की वाष्प जो है वो कॉपर के साथ तप्त कॉपर 573 केल्विन ताप पर गर्म करके और उससे हमको एनटीआई प्राप्त होता है। एथेनॉल की वाष्प कॉपर के ऊपर से 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित की जाती है और वो H2 समूह बाहर निकलकर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है इसे हम कहते हैं डीहाइड्रोजनीकरण। इसी प्रकार द्वितीय एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होगा। द्वितीय एल्कोहल की वाष्प तब तक कॉपर पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर CH3 प्राप्त होता है H2। कैल्शियम लवणों का आसवन करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त होगा।